अच्छा, हम लोगों ने जो है वो क्लासेस देखी थी, जिसमें से हमने बिल्कुल बेसिक लेवल हमने देखा था कि एक्चुअली क्लासेस होती क्या है, क्लासेस का यानी कि मेन पर्पस क्या है। तो हमने ये चीज देखी थी कि अगर क्लासेस ना भी होती ना इस दुनिया में, तो प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है या जो भी हमने बिजनेस इंप्लीमेंट करना करना था ना, वो होता रहता ऐसा। यानी क्लासेस कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं लेके आई कि भाई इनकी वजह से बिजनेस हमारा टोटली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो गई, या जो है यानी कि इन्होंने आके ऐसा रेवोल्यूशन लाया कि भाई जो कोड हमने जो है वो 1000 लाइनों का लिखना होता था वो जो है ना वो 100 लाइनों का हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्लासेस ने जो अच्छी चीज की वो ये की कि हमारे जो कोड है ना उसको वेल स्ट्रक्चराइज कर दिया, यानी आर्किटेक्चर वाइज जो है ना वो बहुत कह लो कि रिफाइन हो गया हमारा कोड क्लासेस की वजह से, ठीक है। बाकी हमने क्लासेस में ये देखा था कि ये जो है सेम क्या होता है कि इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अभी हमने देखनी है, इंशाल्लाह देख लेंगे, लेकिन इसका कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम यानी कि अलग जगह पे डिफाइन करके या अलग यानी कह लो कि अलग फाइल में डिफाइन करके तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसका जो मकसद था ना वो यही था कि आर्किटेक्चर वाइज जो है हमारा कोड जो है ना वो उसकी रीयूजबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है, उसमें रेपिटेशन जो है ना वो खत्म हो, ठीक है। इसकी सीधी सी एग्जांपल ये थी कि अगर हमने एक मैथ के टोटल जो है यानी कि फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, प्लस के, माइनस के, डिवाइड के, कोस, थीटा, टेन, इस तरह के सारे फंक्शन अगर हमने इंप्लीमेंट करने हैं, अगर हमारे पास क्लासेस ना होती यानी क्लासेस आर्किटेक्चर ना होता, तो ऑब्वियसली हमने इसी एक फाइल के अंदर इधर मल्टीपल फंक्शन लिखते जाने थे और उसको चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाना था, और वो एक जो है ना कम्प्लेक्स फाइल बन जाती, ठीक है। तो इस चीज से जो है ना हम बाहर निकले थे जब ये जो है ना क्लासेस वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी। क्लासेस से पहले हमने एक चीज रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप देखी थी जो कि बहुत आगे आगे यूज होगी, ठीक है। तो वो जब 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 वो आई उसके बाद जो है ना ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट आए कि भाई रेफरेंस भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। हालांकि बाय रेफरेंस कोई भी चीज अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपने इसमें तो वो स्लो होती है। स्लो की रीजन हमने देख चुके हैं क्यों होती है, कि पहले वो हीप पे जाता है, हीप के अंदर उसका वो एड्रेस पड़ा होता है स्टैक वाला, जहां पे उसे एक्चुअल वैल्यू मिलती है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा कह लो कि लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये जो है ना बाय रेफरेंस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आगे आस्ता आस्ता जो है ना इन चीजों की समझ आ जाएगी क्यों रेफरेंस टाइप को जो है ना इतनी प्रेफरेंस मिलना शुरू हो गई जब से ये ऊब आई थी, ठीक है। तो अब क्लासेस में जो हमने चीज देखी थी कि क्लासेस हम दो तरह से बना सकते हैं, कि इधर भी क्लास लिख के, सिर्फ क्लास लिख के नई क्लास बना सकते हैं, और सेम इसी तरह हम अलग फाइल बना के भी एक क्लास बना सकते हैं। हम ज्यादा रिकमेंड करेंगे कि हमेशा अलग फाइल बनाएं और उस फाइल को हम फिर कॉल करें जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जब क्लास क्लास को जब भी हमने कॉल करना है, सबसे पहले उसको रेफरेंस देना है। ये इस चीज को हम हमेशा रेफरेंस कहेंगे कि ये रेफरेंस है क्लास का, और इस क्लास को ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कौन सा असाइन हो रहा है वो इस क्लास का असाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे पढ़ना है कि रेफरेंस इसमें स्टैक का है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर वो भी स्टैक का है। इस केस में दोनों सेम है, लेकिन आगे जाके आपको इसका डिफरेंस पता लगेगा, ठीक है। अब रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे, इसको अभी ऑन होल्ड पे रहने दो। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लास ये लिखी हुई है ना, यानी कि मैंने अगर ये लाइन नहीं लिखी और यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ इतना, ठीक है, कोई एरर नहीं देगा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक हमने क्लास को इनिशियलाइज किया और उसका सिर्फ अभी रेफरेंस दिया कि ये मैं क्लास इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ जिसका रेफरेंस ये वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसे करता हूँ यानी इस लाइन पे अगर इसको करता हूँ, तो अब मैंने इस क्लास को ऑब्जेक्ट किसका असाइन किया है, ऑब्जेक्ट मैंने स्टैक का साइन किया है, ठीक है। तो इस तरह करके अब जिसका मैं ऑब्जेक्ट असाइन करूंगा ना, तो उस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज, जितने बिहेवियर मेथड, जितने कह लो के इवेंट्स, जितने डेलीकेट, यानी कि जो उस क्लास की चीजें है ना वो सारी हमें जो है ना एक्सेसिबल हो जाएंगी, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अभी एक टेस्ट क्लास बनाता हूँ कि भाई किस तरह ये सारी चीजें जो है हमें अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ पे गया, न्यू किया और यहाँ पे क्लास आ रहा है, इसको मैंने टेस्ट क्लास का नाम दिया, टेस्ट क्लास। मैंने
ये चीज हमने देख ली थी कि पब्लिक करना जरूरी है, अदरवाइज वो जो है ना इस नेम स्पेस के अंदर यानी इस स्कोप से बाहर नहीं आएगी वो। लेकिन क्योंकि नेम स्पेस सेम है तो इसलिए जो है सेम पे वो चलेगी। एक मैंने पब्लिक वेरिएबल लिया इन टाइप का और उसे मैंने नाम दे दिया v1, ठीक है। एक मैंने पब्लिक वेरिएबल लिया, अगर मैं इसे प्राइवेट लेंगे तो ऑब्वियसली किसी और क्लास में एसेस नहीं होगी, तो इसे मैंने str1 का नाम दे दिया। फिर इसी तरह करके एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक पब्लिक वाइड टेस्ट मेथड, इसे हम फंक्शन भी पढ़ चुके हैं कि भाई फंक्शन भी कहते हैं। ये मैंने सिंपल एक इसके अंदर फंक्शन बना लिया जो कि दैट्स विद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे। अभी क्या काम कर रहा है कोई हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड कोड लिख दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इस क्लास को एसेस करना है ना तो मुझे यहाँ पे इसका रेफरेंस भी बताना पड़ेगा और इसको ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। तो इधर मैंने इसे कह दिया टेस्ट क्लास, ठीक है। और इसी तरह करके अब देखो इसने यहाँ पे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, कहता है कि भाई जो क्लास का तुमने रेफरेंस मुझे दिया है ना उस क्लास में जो इस क्लास की जो इस ये क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें नहीं है। क्यों नहीं है कि मैंने इसे रेफरेंस दिया टेस्ट क्लास का और इस क्लास के अगर मैं अंदर जाऊं ना इस क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसलिए वो इस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी इसे दोबारा इसे ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का दे दिया जिस क्लास का मैंने इसे रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इधर इसको जो है ना थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ और इसको वापस उसी लोकेशन पे ले आता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया OBJ1 का, ऑब्जेक्ट 1 का, ठीक है। अब क्या है कि जितने इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं या जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं ना वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है, ठीक है। ये OBJ1 आ गया, ठीक है। देखो अब इसके अंदर एक STR है, ठीक है, एक V1 है, ठीक है, इस तरह करके, और एक टेस्ट मेथड है। बाकी ये जो चीजें आ रही है ना ये लेटर ऑन आपको समझ आ जाएंगी कि ये क्या आ रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेकिन OBJ1 अब देखो इसके अंदर एक STR आ गया जिसको मैंने कुछ भी दे दिया, इसको मैंने क्या दिया फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। अब मेन जो समझाने वाली बात है कि क्लास का मेन फायदा क्या होता है। अब देखो इसी क्लास का ना मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम ऑब्वियसली क्यों जिस तरह हम वेरिएबल के नाम सेम नहीं रख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक नाम है, फंक्शन नाम भी नहीं सेम रख सकते, ऑब्जेक्ट नेम भी नहीं सेम रख सकते, इसीलिए मैंने इसका नाम कर दिया OBJ2 यानी कि ऑब्जेक्ट 2। अब अगर देखें क्योंकि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है यानी सेम वही क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो चीजें उस क्लास में वो वही चीजें इधर होंगी। तो यहाँ पे भी देखो सेम वही चीजें str v1 और टेस्ट मेथड है, ठीक है। तो जब अब मैं इसे इस str में क्या रखता हूँ, इस str में रखता हूँ सेकंड टेस्ट, ठीक है। जब मैंने इस str के अंदर सेकंड टेस्ट रखा तो अब जो है मैं इसे सिर्फ रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इसे रन करता हूँ। ये देखो अब मेरे पास ये दो क्लासेस यानी कि जो कि क्लासेस सेम थी लेकिन दो मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनके, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में देखूंगा तो मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। एक str1 आ रहा है और एक v1 आ रहा है। अब str1 के अंदर फर्स्ट टेस्ट है और v1 के अंदर जीरो पड़ा हुआ है। जीरो क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जीरो होती है, इसलिए कोई वैल्यू हमने उसे असाइन नहीं की, तो उसे कौन सी वैल्यू असाइन होगी, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी। इंटीजर के अंदर कभी भी नल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर जीरो पड़ा हुआ है। अब जब मैं टेस्ट 2 के अंदर आ रहा हूँ, सॉरी ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर देखो एक उसने डिफरेंट ही यानी कि जो वेरिएबल उसके अंदर थे और वैल्यू असाइन की थी वो सेपरेटली डील हो रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो मैंने इधर असाइन किया है और उसको वैल्यू असाइन की है वो सेपरेटली डील हो रहे हैं, यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट को हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके मैं छोटी सी एग्जाम्पल ये लूंगा कि अगर मैं एक क्लास बनाऊं जो कि स्टूडेंट्स की क्लास हो, ठीक है, तो स्टूडेंट की क्लास में जाहिर सी बात है मैं इधर बल्कि बना लेता हूँ एक क्लास,
ये मैंने स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने वेरिएबल रख दिया पब्लिक इंट रोल नंबर, ठीक है, इसी तरह करके पब्लिक स्ट्रिंग फुल नेम, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर दो, ऑब्वियसली इसके अंदर और भी रख सकते हैं हम, उसके जो है कि क्लास रख सकते हैं, ग्रेड रख सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा लास्ट नेम रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं, फोन नंबर रख सकते हैं, पेरेंट्स एड्रेस रख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें रखनी है उतने हम वेरिएबल ले लेंगे। अब अगर एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो कितने हैं, यानी कि 15 हैं, तो 15 सिर्फ हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे और हमारे पास इंडिविजुअली सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि ऑब्वियसली अगर हम उसमें स्टोर करवाएंगे तो वो क्या होगा, इंडिविजुअली उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिर्फ दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास के, और मैं ये डील करता हूँ कि मुझे डेटा एंटर करना है, ठीक है, ये एक मैंने क्लास ये बना ली, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना लिया, और इसको मैंने नाम दे दिया S1 का, ठीक है, इसी तरह करके मैं ये यानी कि नाम दे दूंगा S2 का, यानी कि Student2 का ऑब्जेक्ट बन गया ये, इसी तरह करके मैं इसे नाम दे दूंगा S3 का, तो मैं 3 तक जा रहा हूँ, ये Student3 का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो इसी तरह करके मैं जो है ना यूजर से इनपुट ले लूंगा, जो आपको, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह लेनी आती है कि भाई S1 के डॉट रोल नंबर में मैं उसकी इनपुट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो इनपुट करता है 1 इंटर कर देता है, ठीक है, और इसी तरह S1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फुल नेम के अंदर इंटर कर देता हूँ मैं सिंपल अभिषेक इंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये यूजर इंटर कर रहा है। जब इस तरह करके एक लूप में लगा के आप इनपुट दोगे अपने पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एट दी एंड देखोगे आपके पास अगर कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, 15 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि जितने इधर आपने वेरिएबल लिए होंगे, ये वाले जो वेरिएबल जितने लिए होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आप लूप के थ्रू वन बाय वन करके स्टूडेंट से आप इंफॉर्मेशन लोगे, तो जब आप उसे रन करके देखोगे तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि, और आप देखोगे कि आपके पास उतने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई जितने आपको रिक्वायर्ड थी, और हर स्टूडेंट के लिए आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यानी कि हर किसी के लिए आप सेपरेट अरे नहीं बना रहे, हर किसी के लिए आप सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं कहीं सेव कर रहे, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास का, और वो वाली इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट के अंदर रख रहे हो। इसको मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी शेप 2 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी शेप 3 कर देता हूँ। अब मैं ऐसे अगर रन करता हूँ, अब ये देखो अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट बने यहां तक, ठीक है, अभी मैं इसे स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, देखो इस लाइन तक ना अभी ऑब्जेक्ट बने हैं मेरे पास, अभी देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि दो जो पैरामीटर थे या दो जो वेरिएबल थे वो क्या थे, अभी तक एम्प्टी पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं यूजर से इनपुट लेना शुरू करता हूँ, ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये इनपुट लेना शुरू की और मैं एंड तक चले जाता हूँ, देखो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जो वैल्यू रखूंगा सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर यानी कि फुल नेम के अंदर शुएब 2 पड़ा हुआ है, रोल नंबर के अंदर ये पड़ा हुआ है, और इसी तरह करके ये पड़ा हुआ है, यानी कि शुएब ये देखो, ठीक है, यानी कि काम ये एक तरह का इस लिहाज से भी कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट पूरा, यानी एक बार हम क्लास बना लेंगे, अब उस क्लास के अंदर उसकी क्या फंक्शनैलिटी है उसे हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ यानी के फायदे हम इस क्लासेस से लेते हैं, ठीक है, तो बाकी क्लासेस के और ज्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जो कि अभी हम 3-4 लेक्चर में इसे कवर करेंगे, क्लासेस के और क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी जो है ना यानी कि कह लो कि एक असाइनमेंट के तौर पे आप लिख लो कि आप लोगों ने एक क्लास बनानी है, जो प्रॉपर क्लास बनानी है जिसमें मैंने भी सिर्फ 2 एटीट्यूड लिए हैं, आप एम्प्लॉय के उससे ले लो, ठीक है, कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, इस तरह करके एम्प्लॉय के नेम लो और उसको जो है क्लास में रखो एज अ वेरिएबल्स, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो कि भाई यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपने 10 एम्प्लॉय की इनपुट लेनी है, ठीक है, चलो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, चलो 2 एम्प्लॉय की इनपुट लो, इसका मतलब कि 2 उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी उसकी, ठीक है, तो इस तरह करके जो है हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो बाकी क्लास में एक चीज जो हम आगे बढ़ते हैं वो ये कि मैं टेस्ट क्लास में इंप्लीमेंट करता हूँ, क्लास
क्लास में ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। एक होता है कंस्ट्रक्टर और एक होता है डिसेक्टर। ठीक है, अब मैं इधर इसको लिख लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर और एक होता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि कंस्ट्रक्टर की और डिसेक्टर की। ये ही डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे क्लास को मेमोरी में एलोकेट करना है और कैसे क्लास को मेमोरी में डी एलोकेट करना है। ठीक है, जब तक ये नहीं आए थे तो ये कह लो कि क्लासों का उस तरह का फायदा नहीं था कि जिस तरह का अब हम ले पा रहे हैं, कि इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक टाइम तक जो है ना हम मेमोरी में रखते हैं और उसके बाद जो है ना उस मेमोरी से उसे डी एलोकेट कर देते हैं। अब ये देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था अब कि भाई क्या हो क्या रहा था हमारे साथ, अगर हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, इधर हमने 50 वेरिएबल लिए होते तो जब इसका ऑब्जेक्ट ये होता था, ये 50 यानी कि अगर ये इंट है ये 4 बाइट मेमोरी में ले लेता, अगर यानी कि ये स्ट्रिंग है तो जितने यानी कि इसके स्ट्रिंग बाइट बनते हैं वो ये मेमोरी में ले लेता। इस तरह करके जितनी इंफॉर्मेशन हम क्लास के वेरिएबल्स में रखते वो सारी मेमोरीज में जगह लेती रहती है अपनी। ठीक है, तो वहां पे जो है ना हमें ये चीज पता होनी चाहिए चाहिए कि किस वक्त मेमोरी में इसको जगह जा रही है यानी कि एलोकेट हो रही है और किस वक्त इसको जो है ना डी एलोकेट हो रही है। और वो जो दो काम करते हैं ना वो ये करते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिसेक्टर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस लिहाज से कि हमें जो है ना ये क्लियर होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टर और डिसेक्टर चलते कब है। ठीक है, एग्जीक्यूट कब होते हैं और क्यों होते हैं और इनका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, जब भी मेमोरी में एलोके जो जो मेमोरी में यानी कि कह लो कि रैम में जो जगह ऑक्यूपाई होने लगेगी ना जब भी, और वो कब होने लगेगी, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका मतलब है कि ये एक मल्टीप्लाई बाय टू यानी कि ये 2 वेरिएबल की जगह मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। इसे अगर मैं इंट कर लूं, क्योंकि इंट के हमें बाइट पता है, स्ट्रिंग के बाइट नहीं पता होते जब तक उसमें डाटा ना स्टोर हो। ठीक है, ये 8 बाइट मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट उसका 8 बाइट ले रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 बाइट ये मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे कि स्पेसिफिक जगह इनको मिल जाएगी। क्योंकि जगह क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने कहा है कि भाई इसको मेमोरी में एलोकेशन दे दो। जैसे ही तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली 6 की जगह मिल जाएगी इन्हें, और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो उतनी जगह मेमोरी एलोकेशन मिल जाएगी। लेकिन वो मिलती कब है, जब हम इसका रेफरेंस बनाते हैं ना स्टूडेंट का, अभी तक इसे मेमोरी में जगह नहीं मिली। ठीक है, मेमोरी में इसे जगह जब मिलेगी, जैसे ही हम न्यू का कीवर्ड लिखेंगे ना, ये अब जो है ना ये इस लाइन के बाद जो है ना इसे मेमोरी में जगह मिल जाएगी। यानी कि कंपाइलर जब इस लाइन पे आएगा ना, इधर इसने सिर्फ रीड किया कि भाई मैं एक ऐसी क्लास बनाने जा रहा हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका रेफरेंस स्टूडेंट है। ठीक है, और जब इसने जैसे इक्वल के बाद न्यू देखा ना, तो वैसे इसने मेमोरी न्यू का, इन्होंने कीवर्ड भी कीवर्ड का जो नाम न्यू रखा ना, वो इसीलिए रखा है कि न्यू मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और ये सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट में नहीं, जहां पे भी आप न्यू का वर्ड देखोगे ना, ये देखा है वो अरे डिक्लेयर करते हुए देखा है। अब अरे जब फर्स्ट हमने डिक्लेयर की, लेफ्ट साइड वाले डिक्लेयर की, जब उसको मेमोरी में जगह नहीं मिली, उसे जगह कब मिली, जब हमने न्यू का कीवर्ड लिखा। ठीक है, जितनी भी रेफरेंस टाइप चीजें हैं ना, यानी कि जो वैल्यू टाइप होती है उन्हें तो फॉरन मिल जाती है, जैसे ही लिखते हैं वैसे ही मिल जाती है, लेकिन जितनी भी रेफरेंस टाइप चीजें हैं जैसे ही उन्हें हम न्यू करते हैं ना, तब जाके उन्हें मेमोरी में जगह मिलती है। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज हमें दी कंस्ट्रक्टर, वो कहते हैं कि जैसे ही मेमोरी में जगह मिल रही है ना इसे, जो ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो वो आप कंस्ट्रक्टर में कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हो कि भाई मेमोरी में जगह मिल रही है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए कि एलोकेट मेमोरी इन रैम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप कंस्ट्रक्टर का हम एक आपको फंक्शन देते हैं, होता ये बेसिकली फंक्शन ही है। ठीक है, कि हम आपको एक फंक्शन देते हैं, वो फंक्शन कब कॉल होगा, वो फंक्शन तब कॉल होगा जैसे ही क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में जगह मिलेगी ना, वैसे ही वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस फंक्शन को उन्होंने कंस्ट्रक्टर का, अब मैं इधर आता हूँ, इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। इंप्लीमेंट करने का तरीका इसको ये होता है,
सेस मॉडिफायर आएगा उसका, और उसके बाद उसका क्लास नेम आएगा। ये इसका कंसेप्टर है। अब इधर मैं इसको देखो ब्रेक पॉइंट लगाता हूं, और यहां से इसे मैं इधर ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और अब रन करता हूं। ठीक है, इसे मैंने किया F10। ठीक है, ये देखो यहां पे ये क्यों नहीं किया, हालांकि इसने ये रीड किया है लेकिन यहां पे नहीं ये किया, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस लाइन को यूजर को शो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जो है ना उसने यहां पे रीड नहीं किया। और आप देखोगे उसने सिर्फ एक एज अ वेरिएबल लिया और उसके अंदर नल रखा हुआ है। भाई क्यों नल रखा हुआ है, मैंने तुझे रेफरेंस बताया कि ये वाला है, लेकिन रेफरेंस से इसे कोई लेना देना नहीं है, रेफरेंस को हम आगे डील कर लेंगे। लेकिन वो जब तक इसे मेमोरी असाइन नहीं करता तब तक इसे न्यू का कीवर्ड नहीं मिलता। ठीक है, जैसे ही हमने कहा कि भाई हाँ तू इसे न्यू मेमोरी असाइन कर दे, अब देखो अब इस लाइन के बाद क्या होता है, अभी तक इसमें नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आए देख रहे हो, यानी कि वो इस लाइन इस वाले फंक्शन पे खुद ही आ गया। ठीक है, अब वो जब इस वाले फंक्शन पे आया इसको इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आगे हमारी रिक्वायरमेंट आएंगी कि क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों ने ना डीबी के साथ कनेक्टिविटी करनी है इस प्रोग्राम की। अब आपके माइंड में आगे कि भाई डीबी के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो इसका मतलब है कि जब मैं डीबी का यानी कि डीबी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस वक्त मुझे इसका कनेक्शन देना पड़ेगा। कनेक्शन मतलब किस सर्वर पे वो पड़ी हुई है डेटाबेस। ठीक है, उसके यूजर नेम पासवर्ड क्या है, अब वो मैं कब दूं, ये माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या वो उसका ऑब्जेक्ट बना के एक फंक्शन कॉल करेगा कनेक्ट डेटाबेस, या एक ऐसा फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी हो कि जो जो है ना जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए। उस फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर है, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट हुआ, अब ये यहां पे आया, अब देखो इसे क्या मिल गई, एक मेमोरी मिल गई, और जिसमें क्या पड़ा हुआ है, 0 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का जो है मेन रोल होता है इसमें, यानी कि ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो ही उसे मेमोरी देने जाएंगे तो ही वो कॉल होगा। ठीक है, और उसका फायदा क्या है उसके, यानी कि कब हम यूज करते हैं वो बहुत अच्छी तरह आप सीख जाओगे, लेकिन अभी से कंसेप्ट क्लियर करो इसका कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अच्छा, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शेब भाई हम बजाय इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करें या कंस्ट्रक्टर का फंक्शन करें, हम इसको एक और फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया ना डीबी कनेक्टिविटी बन जाए, उसमें मैं कहता हूँ कि एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको मैं नाम ही कनेक्शन डीबी दे देता हूँ, और उसको मैं इस तरह करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो, हम जो है ना जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बने जो ही ऑब्जेक्ट बने तू ही जो है ना हम कनेक्ट डीबी को कॉल कर लेते हैं। बात तो सेम हो गई। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना यहाँ पे बात सेम नहीं हुई। क्यों सेम नहीं हुई, कि हर बार जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर बार हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, लेकिन इसका फायदा यानी कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है, कंस्ट्रक्टर का फायदा है कि जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद कॉल होते रहेंगे। और क्यों कॉल होंगे, सिर्फ इसकी वजह से कॉल होंगे कि हमने यहाँ पे न्यू दे दिया उसे। जैसे ही न्यू देगा दो काम ये करेगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और दूसरा क्या करेगा, मेमोरी में जगह एलोकेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज दी थी और बड़ा यूजफुल चीज है ये। आस्ता आस्ता ये हम सीख लेंगे कि कब हमने कंस्ट्रक्टर में क्या कोड लिखना है। ठीक है, लेकिन जो है यानी कि अभी सिर्फ कंसेप्ट इसका देखो, इसको अच्छे से अपने अल्फाज में जो है ना राइट करना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन था, लेकिन उससे पहले ना मैं डिस्ट्रक्टर देखना चाहता हूँ। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जो काम कंस्ट्रक्टर करता है ना उसका उलट डिस्ट्रक्टर करता है। क्या करता है, ये करता है कि जैसे ही मेमोरी एलोकेट हो रही है तब मैं कॉल होऊंगा, ये कहता है कि जैसे ही मेमोरी डी एलोकेट हो रही है ना तब मैं कॉल होऊंगा। बट इसमें जो है ना एक डिफरेंस ये है कि ये आप लिखो या ना लिखो ये कॉल हो गई होगा। हाँ, ये भी है ऐसे कि लिखो या ना लिखो ये कॉल हो गई होगा, लेकिन ये वाला जो है ना डिसेक्टर, ये कह लो कि ये
एक एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन थी जो भी, यानी कि जैसा माइक्रोसॉफ्ट है उनकी एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन थी इस सेक्टर की। इसने बहुत बड़ा यानी कि कह लो कि रेवोल्यूशन इसलिए हासिल आया था कि पहले इन्होंने ना इस सेक्टर इम्प्लीमेंट नहीं किया था जब शुरू में आई थी ये क्लासेस वगैरह। तो उसमें क्या होता था कि मेमोरी में जो है ना, जो जितने जो जिस तरह हम ये वेरिएबल हमने ले लिया है, ठीक है, तो ये अगर मैं इस स्कोप से बाहर नहीं ना निकलता तो ये मेमोरी में जगह एलोकेट करके रखेगा, ऑब्वियसली करके रखेगा क्योंकि मैं विदिन स्कोप हूँ। लेकिन जब से डिसेक्टर आया, जब चाहे हम इस क्लास को डी एलोकेट कर सकते हैं, यानी इस क्लास ने या इस ऑब्जेक्ट ने जितनी मेमोरी ली हुई है ना रैम के अंदर, उसको खुद अपनी मर्जी से भी डी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आई, ये लेटर ऑन समझ आ जाएगी, लेकिन अभी इतना समझो कि कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट डिसेक्टर है। ठीक है, डिसेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि मे भी यहाँ पे मेरा सिंटेक्स थोड़ा गलत हो जाए क्योंकि अरसे से मैंने कभी डिसेक्टर नहीं लिखा। और अब इधर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, डिसेक्टर कहता है कि सिर्फ मेरे साथ जो है ना आप ये लगा दो, ठीक है, और इसके साथ जो है ना एसेस मॉडिफायर नहीं लगता क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होता है, ठीक है, और ये प्राइवेट भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसलिए अदर क्लास में एग्जीक्यूट होना होता है इसकी, यानी कि ये लिमिटेशन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं सही हूं तो जैसे ये स्कोप खत्म होगा ना वैसे ही हमारा डिसेक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉल करके देखते हैं। यहां पे आया ये, इसने रेफरेंस बना दिया स्टूडेंट का, यहाँ पे मेमोरी बनाने गया, उसने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, यहाँ पे आया, अभी तक देखो कॉल नहीं हुआ, देख रहे हो। जैसे ही इससे बाहर निकला, उसे पता लग गई ये बात कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट था ना इसका स्कोप ये वाला था, तो जैसे ही वो इससे बाहर निकला ना तो उसने क्या किया, डिसेक्टर को कॉल कर लिया। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब आ गया मेरा माउस। अगेन वही बात कि इसके अंदर हम क्या चीजें लिखेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है, यानी कि वो हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे क्या चीज हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखनी है और क्या चीज हमने डिसेक्टर के अंदर लिखनी है। लेकिन अगेन मैं बात रिपीट करूंगा, डिसेक्टर बहुत कम लिखा जाता है, यानी कि बहुत ही कह लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होना तो वहां पे हम डिसेक्टर इंप्लीमेंट करते हैं कि हाँ यार यहाँ पे जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा हो ना मेमोरी से तब ये काम करते, ठीक है, तो उस केस में लिखा जाता है, अदरवाइज डिसेक्टर को नहीं लिखा जाता। तो अब ये यहाँ पे जब ये आया, मैंने एक और F10 किया, F10 किया, ठीक है, प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके ना कंस्ट्रक्टर और डिसेक्टर इंप्लीमेंट होते हैं, और इनकी जो है ना ये लॉजिक है कि इसको इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है। आज बेसिकली हमने क्लास की यही चीज देखनी थी जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इससे रेलिवेंट ही हम प्रैक्टिस करेंगे कि भाई जो होगी ना कोड असाइनमेंट वो मैं आप लोगों को कल तक सेंड करूंगा, ठीक है, जो जिस पे आप लोगों ने बिजनेस सोचना है। लेकिन आप लोग अपने पास जो है ना ये जो मैंने अभी बात बताई है कि एक क्लास बनाना स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की क्लास बनाना, उसके यानी कि फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उससे यूजर से इनपुट लेना, उस सब्जेक्ट को फिल करना, तो आपको एक हायरार्की समझ में आएगी कि यार वाकई यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने ऐसी क्लास बना ली है कि जिसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए उसके सारे वेरिएबल हमें एक्सेस हो रहे हैं, और हर ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट वेरिएबल है। यानी कि अगर मैंने मुबीन का वेरिएबल इंफॉर्मेशन लेनी है तो सिर्फ मुझे एक एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है बस। इसी तरह करके अगर मैंने यानी कि शुएब की यानी कि इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे एम्प्लॉय की क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है बस। तो उसके एट्रीब्यूट, उसकी जो है ना कह लो कि फंक्शन बिहेवियर, सब जो है ना हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है तो इतना भी क्वेश्चन है तो वो सोच लो, फिर क्वेश्चन कवर करके जो है ना हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, ये क्लास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और कंस्ट्रक्टर और डिसेक्टर से रिलेटेड। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय की क्लास बना ली, उसके अंदर चीज़ें वगैरह इनिशलाइज करवा दी, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या हम 100 दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब खुद हाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट या कोई हाँ ऑटोमेट? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, अभी अभी हम खुद लिखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसके यानी कि चीजें होंगी जो हम आगे सीखेंगे कि कैसे ये कम्प्लेक्सिटी आस्ता आस्ता करके रिमूव होंगी हमारी, लेकिन अभी हम खुद करेंगे ये काम। ठीक। क्योंकि अगर अभी हम खुद नहीं ना लिखेंगे तो हमें कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा क्लास का फायदा क्या पीछे। अब ये जो हम डेटाबेस पढ़ने जाएंगे ना, बेसिकली अगर ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया ना तो डेटाबेस का कंसेप्ट और अच्छे से हमें क्लियर
क्लियर हो जाएगा। अच्छा वो जो काम हम वहां पे कर रहे थे ना, हम जो इतनी मुसीबत में पड़ रहे थे, ऑब्जेक्ट बन रहा है नया, तो यहाँ पे सारा काम इतना ऑटोमेटिक हुआ हुआ है वो। ठीक। और कोई क्यूरी किसी की? बाकी बस यही एक रिकमेंडेड है कि इस लेक्चर को दोबारा सुनना, ये कंसेप्ट सही तरह अपने माइंड में बिठाना और अपने लिहाज से नोट्स बनाना जो आपको जो है ना इजीली समझ आ जाए, और नोट्स जो है ना कॉम्प्लेक्स ना हो, मैक्सिमम जो है ना आधे पेज की ये पूरा लेक्चर का नोट्स हो कि भाई किस चीज को क्या कहते हैं और किस तरह जो है ना ये चीजें वर्क करती हैं, और खुद इसको इम्प्लीमेंट करके इस लिहाज से देखना है जिस तरह मैंने इम्प्लीमेंट किया है कि ब्रेक पॉइंट लगाए हैं और देखा है अच्छा हाँ ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रहा है हमारा कंपाइलर, उस चीज को बस सिर्फ एक बार देख लेना। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह फिर कल क्लासेस को और कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये जो क्लासेस बनी है किस तरह जो है ना इजी हमारी लाइफ में इजी हुई है ये क्लासेस की वजह से। बाकी वो असाइनमेंट अभी के लिए तो वही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ना वो शेयर कर दूंगा जो प्रोग्राम चैलेंज होगी है उसमें। अच्छा अब जो जितने भी प्रोग्राम चैलेंज होंगे ना ये आप लोगों पे अब डिपेंड करता है क्या अच्छा कह लो कि लॉजिक उस पर इम्प्लीमेंट करो। देखो डेटा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को आ गए हैं काफी ज्यादा, ठीक है खुद डेटा स्ट्रक्चर यानी कि उसमें खुद चूज करना है कि कौन सा मैं इम्प्लीमेंट करूँ, अरे करूँ स्टैक करूँ ठीक है या क्यू करूँ ठीक है, और क्लास सेपरेट बनाऊँ या सेम क्लास में रखूँ, और उसके अंदर फिर सेपरेट फंक्शन बनाऊँ या सेम फंक्शन में करूँ, ये सारा अब आप लोगों के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है। सिर्फ आप लोगों को रूल्स पता चल गए हैं सबके कि भाई कि क्या चीज हमें किस चीज के लिए जो है ना मदद देती है ठीक है, और किस तरह हम अपना काम जो है ना रीयूजेबल कर सकते हैं और रेपिटेशन से बच सकते हैं। मेन मकसद ही हमारा जो है ना यानी कि डेवलपमेंट में कि रीयूजेबिलिटी, कि भाई कोई भी फंक्शन बनाए उसको रीयूज कर सके, और रेपिटेशन से यानी कि रेपिटेशन को बिल्कुल जीरो करना है, कहीं पे भी एक चीज रिपीट हो रही है ना वो बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए। तो ये चीज माइंड में रखते हुए जो है ना अपने कोड चैलेंजेस को जो है ना कंप्लीट किया करना ठीक है। चलो सही। चलो ठीक है, फिर मेरी तरफ से बस इतना ही ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है ना